हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सेल्स आपके इस मंच पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ हितेश कौशिक। और आज के इस लेक्चर में हम जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वही टॉपिक जो है आगे बढ़ाएंगे। और ये जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है एनसीईआरटी इग्नाइट प्रोग्राम, इसमें आज आपका दूसरा लेक्चर है हिस्ट्री का। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूरोपियन पेनिट्रेशन इंटू इंडिया से पोर्चुगीज वाला सेक्शन, ठीक है, कि कैसे पुर्तगाली भारत पहुंचे। इसके बारे में मैंने आपसे पिछली बार भी कुछ डिस्कस किया था। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर पहले देख सकते हैं, और जो लोग आज नए हैं पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो वो जो है वो कोशिश करें कि जितना जो है वो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा पीछे, उसके हिसाब से जो है वो इस टॉपिक को जो है वो समझने का प्रयास करें। चलिए बिना समय गंवाए हम जो है वो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, यूरोपियंस के भारत में आने के मैंने पिछली बार आपको रीजंस बताए थे। यूरोपियंस भारत आए तो उसके पीछे का एक रीजन था कि वेस्ट यूरोप मेनली जो है वहां पर पुनर्जागरण का समय था। पुनर्जागरण मतलब वहां पर वो ये समय था जब लोग जो है वो एक डार्क एज से निकल के जागना शुरू हो गए थे। उसके पीछे रीजन था ईस्ट यूरोप में, जहां पर बिजेंटीन एम्पायर हुआ करता था या फिर ईस्टर्न रोमन एम्पायर हुआ करता था, वहां मुस्लिम्स के हमले हुए थे, जिसकी वजह से 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल शहर पर कब्जा हो गया था। कॉन्स्टेंटिनोपल शहर पर जब कब्जा हुआ तो बड़ी संख्या में कॉन्स्टेंटिनोपल में रहने वाले या बिजेंटीन्स के अंडर काम करने वाले इंटेलिजेंट लोग, जो अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट थे, उनको वहां से भागना पड़ा। वो जा पहुंचे इटली, मॉडर्न डे इटली जहां पर है, वहां पर वेनिस, जिनेवा और इत्यादि शहरों में वो जाकर बसे। कुछ समय वहां रहे और उसके बाद फिर वो और वेस्ट की तरफ माइग्रेट किए और पश्चिमी यानी वेस्टर्न यूरोप के कई देश, मॉडर्न डे फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, इन सभी देशों में जाकर जो है वो बसे। अब मैंने आपको एक कहानी और बताई थी आइबेरियन लैंड की। आइबेरियन लैंड मतलब पुर्तगाल और स्पेन जहां पर है वो सारा कहलाता है आइबेरियन लैंड। मैं आपको एक बार मैप पर दिखा देता हूं, ये सब है आइबेरियन लैंड। ये वाला हिस्सा है यूरोप के मैप में आइबेरियन लैंड, जिसमें दो देश आ जाते हैं, जिसमें दो देश आते हैं, एक तो आता है आपका पुर्तगाल और दूसरा आता है स्पेन, ठीक है। पुर्तगाल और स्पेन दोनों आइबेरियन लैंड का हिस्सा है। इस पर 750 AD के आसपास ही मुस्लिम कब्जा हुआ था। सन 1400 के आसपास ही मुस्लिम कब्जा खत्म हुआ। जब मुस्लिम कब्जा खत्म हुआ तो इस तरीके के रूलर्स आ गए यहां पर कि जो क्रिश्चियन रूलर्स थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस पूरी जमीन पर किसी भी तरीके के मुस्लिम ट्रेसेस रहें। इसी वजह से उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी कि वापस से यहाँ पे सभी लोगों को कट्टर क्रिश्चियनिटी जो है वो जो उसका ही जो है वो बेसिकली जो है लोगों के अंदर जो है प्रभाव रहे, कट्टर क्रिश्चियनिटी का प्रभाव रहे और लोग सारे के सारे जो है वो इस्लाम से बिल्कुल दूर रहे। इसीलिए उन्होंने बहुत कोशिशें की कि स्ट्रिक्टली जो है अपने यहाँ पे क्रिश्चियन लॉज को और क्रिश्चियन नॉर्म्स को जो है वो लागू किया जाए, ठीक है। इसी वजह से ये दोनों देश जो हैं एक मामले में अच्छे थे, क्योंकि जब पूरा वेस्ट यूरोप जाहिलता का, डार्क एजेस का दौर देख रहा था तो ये दोनों देशों में इस्लाम था और पूरे इस्लामिक जमीनों के साथ इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे ठीक ठाक डेवलपमेंट थी। और उसके बाद अब जब इंटेलिजेंट लोग सभी पूरे वेस्टर्न यूरोप में आ गए थे तो पुर्तगाल और स्पेन को सबसे ज्यादा फायदा मिला। पुर्तगाल और स्पेन वो पहले दो देश थे जिन्होंने जहाज बनाने की कला बना ली, समुद्री जहाज यानी जो शिप्स हैं, नेवल शिप्स बहुत अच्छी क्वालिटी के बना लिए, और वही वो कारण बने जिसकी वजह से वो आगे चल के लंबी दूरी की यात्राएं कर पाए बड़े बड़े जहाजों की मदद से, ठीक है। तो ये बड़े बड़े जहाज जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो रोल था ईस्ट से आए हुए लोगों का जो माइग्रेट करके गए थे, ईस्ट मतलब बिजेंटीन इलाकों से माइग्रेट करके जो है जो वेस्ट की तरफ चले गए थे, ठीक है। तो पुर्तगाल और स्पेन दोनों देश जो है इसमें अग्रणी हुए। एक सवाल मैंने पिछली बार छोड़ा था कि क्यों ईस्टर्न रीजन से जो है भारत में लोग नहीं आए। एक तो पहली बात कि ईस्टर्न रीजन के आगे पड़ती थी मुस्लिम लैंड्स, तो भारत और ईस्टर्न यूरोप के बीच में थे मुस्लिम लैंड्स। अब वो मुस्लिम लैंड एक बार मैं आपको मैप पे दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है ईस्टर्न यूरोप और ये है भारत तक आने वाला रास्ता, तो बीच में जो है वो सारे मुस्लिम लैंड्स हैं। एक कारण तो ये, और दूसरा लगातार जो है
मुस्लिम्स ने, ऑटोमन मुस्लिम्स ने ईस्टर्न यूरोप में हमले करने जारी रखे। अब चीजें पलट गई थी, पहले ईस्टर्न रोमन एम्पायर स्टेबल था, लेकिन अब ईस्ट वाले यूरोप पर पूरा का पूरा हमला होते जा रहे थे और उनके पास इतना समय नहीं था कि वो बहुत ज्यादा जो है कंसोलिडेट कर पाते। लेकिन वेस्ट यूरोप कंपैरेटिवली वो शांत था और वो तरक्की कर रहे थे, वो ग्रो कर रहे थे और वही शायद भारत तक की यात्रा कर सकते थे। क्यों? क्योंकि दे वर स्टेबल। अब ईस्ट स्टेबल नहीं था, जो पहले केस था पहले ईस्ट स्टेबल था और वेस्ट अनस्टेबल था, ठीक है। लेकिन 1450s तक आते आते ईस्ट अनस्टेबल हो गया ड्यू टू द मुस्लिम अटैक्स और वेस्ट हो गया स्टेबल। वेस्ट के स्टेबल होने पर उन्होंने रास्ते खोजने शुरू किए, खास तौर पे पहले तो वो द्वीप तलाश रहे थे, लैंड्स आसपास तलाश रहे थे। पुर्तगाल और स्पेन दो देश आपस में एक दूसरे से कंपीट करना शुरू कर देते ज्यादा से ज्यादा जमीनों को हासिल करने के लिए। इसी दौर में क्योंकि बहुत सारा सामान मुस्लिम वर्ल्ड में जो इंडिया से आता था, मुस्लिम वर्ल्ड से होते हुए वो यूरोप पहुंचता था और यूरोप पहुंचता था तो फिर वो बहुत महंगा हो जाता था। कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक चीज, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अलावा जो उसमें चीज ऐड होती थी वो थी हर व्यक्ति, जैसे मान लो एक जगह से दूसरी जगह बेचा जा रहा है अगर सामान, आगे आगे जितने भी बीच में ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पे लोग उस सामान को खरीदेंगे और आगे बेचेंगे तो वो अपना अपना प्रॉफिट ऐड करते चले जाएंगे। इसलिए जो चीज जब तक यूरोप जाएगी, वेस्ट यूरोप, तब तक बहुत महंगी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कारण था कि भारत से आने वाली चीजें बहुत महंगी थी और वेस्ट यूरोप में लोग ये समझते थे कि अगर हम सीधा भारत पहुंच जाएं तो फिर हमें वो चीजें बहुत सस्ती मिल सकती हैं और उससे निकलती है एक व्यापार की अपॉर्चुनिटी, ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, कि कोई चीज अगर बहुत महंगी बिक रही है उसको हम अगर सस्ते दामों में यहाँ ले आए तो बहुत ज्यादा लोग उसको डिमांड करेंगे और हमारा सामान बिकेगा और हमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। चल तो ये थे कारण। अब जो एक चीज देखो कि 14 अगर आप 1400 से 1500 तक का फेज देखे तो इस फेज को पूरा कहा जाता है एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, जिस समय पूरे पश्चिमी यूरोप के देश एक फिराक में लगे थे अलग अलग समुद्री द्वीप ढूंढने के लिए ताकि वो और ज्यादा जितने भी समुद्री द्वीप खोजेंगे तो उनके संसाधन यानी रिसोर्सेज बढ़ेंगे। अगर उनके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, रिसोर्सेज कैसे बढ़ेंगे भाई, जितने जितने आइलैंड्स वो कब्जाते जाएंगे वहां की जमीनें उनकी, वहां पे खेती कर सकते हैं, वहां पे जो जानवर रहते हैं उन्हें ले आ सकते हैं अपने यहाँ पे या उनको उनको मार के उनका मीट कंज्यूम कर सकते हैं, अपने लोगों को ले जाके बसा सकते हैं, तो वो आइलैंड्स बहुत काम के जो भी आइलैंड वो कब्जाते चले जाएंगे। लेकिन जितनी नई जमीनें उन्हें मिल रही हैं उतने ज्यादा रिसोर्सेज भी मिलते जा रहे हैं, ऐसी संसाधन, तो फिर उनको एक चस्का पड़ जाता है उसके बाद, चस्का कि कौन ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर कब्जा करेगा। उसमें सबसे पहले जो दो देश लीड लेते हैं वो थे पुर्तगाल और स्पेन, जो सबसे पहले लीड लेते हैं। लेकिन फिर उन दोनों के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स होने लगे, ठीक है, उन दोनों देशों के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स होने लगे थे और डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए मैंने जैसे बताया आपको, तो डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए एक समुद्र के बीचों बीच एक लाइन खींची गई, ठीक है। अब बता देता हूं कैसे। यहां पर थे पुर्तगाल और स्पेन, मतलब इस हिस्से में पुर्तगाल और बाकी हिस्से में स्पेन, ठीक है। दोनों देश आपस में कंपीट कर रहे हैं क्योंकि ये बाकी के वेस्ट यूरोप से इनकी स्थिति अच्छी थी। किस वजह से? क्योंकि इनके यहाँ पे रहा था इस्लामिक रूल, बाकियों के यहाँ पे क्रिश्चियन रूल था। लेकिन क्रिश्चियन रूल में भी जो वेस्ट यूरोप के बाकी के देश थे पुर्तगाल स्पेन को छोड़ के, वहां पे वो डिस्प्यूट बहुत थे, आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत था, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं थे। पुर्तगाल स्पेन में इस्लामिक कब्जा होने की वजह से वहां पे स्टेबिलिटी थी अच्छे खासे समय तक, तकरीबन 700 750 सालों तक। तो इसीलिए जब बाद में 1400s के बाद पूरा वेस्ट यूरोप क्रिश्चियन लैंड बन गया तो बाकी के वेस्ट यूरोप से पुर्तगाल और स्पेन थोड़े बेहतर स्थिति में थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पीछे कुछ समय में डेवलपमेंट अच्छी खासी हुई थी। अब इससे क्या हुआ कि अगर आप आगे देखें तो उसके बाद दोनों देशों में स्पर्धा बन गई, कंपटीशन बन गया कि कौन ज्यादा से ज्यादा लैंड्स को कब्जाएगा। तो उस समय पर कहते हैं कि एक घटना घटी। घटना क्या थी कि स्पेन के राजा को लगा कि यार बहुत ही ज्यादा जो है पुर्तगाल लीड लेने की कोशिश कर रहा है और उनके और हमारे बीच में समुद्र में कई जगह पर कंफ्लिक्ट हो जाते हैं। तो उस कंफ्लिक्ट को सुलझाने के लिए उन्होंने क्या किया, पोप अलेक्जेंडर द सिक्स्थ को बुलाया।
पोप अलेक्जेंडर द सिक्स्थ को बुलाया। ये पोप चर्च के हेड्स को कहा जाता था। ये वहां पहुंचे और इन्होंने उस विवाद को सुलझाने की कोशिश की। 1493 में इन्होंने जितना जो समुद्र था उसके बीचों बीच एक लाइन खींच दी। ये वाली मैं लाइन अभी एक बार बना देता हूं। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो यहां पे रेड में, इसके ऊपर मैं ब्लू कर रहा हूं, ये एक लाइन उन्होंने खींच दी 1493 में। ये लाइन खींची गई थी, इसे बोलते हैं लाइन ड्रॉन बाय पोप अलेक्जेंडर द सिक्स, चर्च के हेड, जो स्पेन और पुर्तगाल के रूलर्स के बीच में समझौता कराने आए। और फैसला ये हुआ कि भाई तुम आपस में लड़ो नहीं, स्पेन के पास इस तरफ ट्रेड करने का अधिकार होगा इस लाइन के, और इस तरफ ट्रेड करने का अधिकार होगा पोर्चुगीज के पास। इस तरीके से दोनों के विवाद को सुलझा दिया किसने, पोप अलेक्जेंडर द सिक्स ने। लेकिन ये दोनों के बीच का डिस्प्यूट अभी सॉल्व नहीं हुआ था। पुर्तगाल की ज्यादा इच्छाएं थी, ज्यादा उनके प्लान्स थे। पुर्तगाल ने कहा जाता है कि यहाँ कुछ जमीनों का उनको अंदाजा लगा था कि इस रीजन में भी कुछ और जमीनें हैं जो शायद बहुत फायदे की हो सकती हैं। तो पुर्तगाल ने अगले साल डिस्प्यूट खड़ा कर दिया। मॉडर्न डे ब्राजील है यहाँ पर। पुर्तगाल ने डिस्प्यूट खड़ा कर दिया कि नहीं, हमें तो ये लाइन मंजूर नहीं है। और अगले ही साल एक और लाइन जो है उन्होंने खिंचवा दी। पुर्तगाल ने स्पेन के साथ सीधा समझौता किया कि भैया हमें ये वाली लाइन मंजूर नहीं है जो पोप अलेक्जेंडर सिक्स ने बनाई थी, हम दोनों का जो बंटवारा कराया था, हमें इसको थोड़ा और आगे की तरफ खिंचवाना है। और इसीलिए फिर एक नई लाइन खींची गई जो थोड़ा और वेस्ट में थी। कंडीशन अभी भी वही थी कि लाइन नई हो गई थी, लेकिन इस तरफ स्पैनिश ट्रेड करेंगे और इस तरफ पुर्तगाली ट्रेड करेंगे। ये दोनों के बीच में समझौता हुआ। अब ये जो ट्रीटी हुई थी उसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्डरसिलास, ट्रीटी ऑफ टॉर्डरसिलास 1494। ठीक है, तो पहले पोप अलेक्जेंडर सिक्स ने जो लाइन खींची थी वो 1493 में खींची थी। 1494 में उसको थोड़ा सा और वेस्ट की तरफ खिंचवा दिया गया और नई लाइन तय हुई पुर्तगाल और स्पेन के बीच में। एक संधि से संधि कहलाती है ट्रीटी ऑफ टॉर्डरसिलास। ठीक है, अब आपको अगर मैं इसके बारे में बताऊं, देखो पुर्तगाल और स्पेन दोनों अगर आप देखें दो स्ट्रॉन्ग पावर्स बनके उभरे थे 15वीं शताब्दी, 15th सेंचुरी, 1400 से 1500 को कहते हैं। दोनों के बीच में असल में कोई युद्ध नहीं था, कोई एक्चुअल वॉर नहीं हो रही थी। ठीक है, पर टेंशन थी। टेंशन के चलते, टेंशन को सुलझाने के लिए हाई सीज में दोनों एक दूसरे से भिड़ जाया करते थे उनके नाविक दल, और इसीलिए फिर पोप अलेक्जेंडर सिक्स्थ को बुलाया। उन्होंने एक समुद्र के बीचों बीच इमेजिनरी लाइन खींची कि भाई इसको एक बंटवारे की लाइन मान लेते हैं, उधर स्पेनिश ट्रेड करेंगे, इधर पुर्तगाली ट्रेड करेंगे। ट्रीटी ऑफ टॉर्डरसिलास 1494 में हुई, और इसके तहत जो लाइन खींची गई थी उसको रिवाइज कर दिया गया, थोड़ा और वेस्ट की तरफ खींच दिया गया और ये नई लाइन जो है वो बन गई। ये जो ट्रीटी हुई थी 1494 की, इसको यूनेस्को ने 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में ऐड किया। इसका मतलब क्या था कि ये इतनी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जिसे यूनेस्को ने भी एक खास स्थान दिया। क्यों? क्योंकि आप समझिए उस समय की जितनी दुनिया, उन्हें पता था कितना बड़ी दुनिया है, उसको उन्होंने आधा आधा बांट लिया था व्यापार की दृष्टि से कि एक तरफ जो है ईस्ट में ट्रेड करेंगे इस लाइन के, वेस्ट में ट्रेड करेंगे स्पेनिश और ईस्ट में ट्रेड करेंगे पोर्चुगीज, इस तरीके से बांटा था। अब थोड़ा सा पीछे जाता हूं कि ये पुर्तगाल और स्पेन में एक चीज और हो रही थी कुछ समय पहले से। पुर्तगाल के एक प्रिंस थे, प्रिंस हेनरी, पुर्तगाल के प्रिंस जिनका नाम था प्रिंस हेनरी, वो भारत के लिए सी रूट खोजना उनका बड़ा प्लान था कि भारत के लिए सी रूट खोजा जाए। क्यों? क्योंकि भारत से आने वाला सामान पुर्तगाल में बड़ा महंगा बिकता था, पुर्तगाल के पूरे यूरोप में, जैसे मसाले बहुत ज्यादा कॉस्टली प्राइसेस पे बिकते थे। मसालों के अलावा कॉटन और सिल्क जो इंडिया से आता था, ये सब आता था एक रूट से जो सेमी लैंड सेमी सी रूट था, आधा जमीनी मार्ग था आधा समुद्री मार्ग था। वेनिस और जिनुआ इटली में, ये दो बड़े सेंटर्स थे जहां के व्यापारी जो है पूरे यूरोप में ये सामान लाकर बेचते थे, और ये सब जो सामान है बहुत ही महंगा बिकता था यूरोप में। एक चीज थी, मसालों की डिमांड बहुत बड़ी थी पुर्तगाल में। क्यों? पुर्तगाल में मसालों की डिमांड बढ़ने के पीछे का रीजन क्या था मैं बता देता हूं आपको। पुर्तगाल क्या पूरे वेस्ट यूरोप में ही बड़ी थी,
के लाइफस्टाइल चेंज हुआ था। जैसे जैसे जो है पीछे कुछ समय में पश्चिमी यूरोप के देशों ने अलग अलग जमीनें कैप्चर की थी आइलैंड्स पे जाके, वहां के रिसोर्सेज भी लेने शुरू किए थे, लाइफस्टाइल चेंज हुआ था और मीट की कंजप्शन उनकी बढ़ गई थी। जब मीट की कंजप्शन बढ़ी तो उनको चाहिए थे मसाले, मसाले जो मीट को मैरिनेट करने के लिए चाहिए थे, जिससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती थी। तो शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में मसाले बहुत काम के थे। लेकिन एक और बात कि मसाले जो भारत से आ रहे थे उनका अपना एक स्वाद भी था। आप ये सोच के देखो कि क्योंकि भारत से आने वाले मसाले बहुत ही कम मात्रा में वेस्ट यूरोप तक पहुंचते थे, क्योंकि बीच में ही वो कंज्यूम हो जाते थे, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कंज्यूम हो जाते थे और रास्ते में ही ज्यादातर देशों में उसकी खपत हो जाती थी। आखिर में जब तक वेस्ट यूरोप सामान पहुंचता था तब तक वो बहुत कम मात्रा में था और बहुत महंगा था, तो इसीलिए सिर्फ रॉयल फैमिलीज ही वो सब चीजें अफोर्ड कर सकती थी। लेकिन उनका स्वाद जो था ना, जो मसालों का, वो लाजवाब था। कोई भी मसाला ले लें, काली मिर्च ले लें या कोई और मसाला, एक बात थी कि यूरोप वासियों के लिए वो मसाले बड़े रेयर थे। क्यों? आप सोच के देखो, आप और हम जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए कोई जो ऐसा है ना कि भाई हम सोच नहीं सकते उस समय के यूरोप के लोगों की सिचुएशन। वो लोग क्या करते हैं, वो वेस्ट यूरोप वाले लोग, जब उन्होंने पहली बार मसाले अपने खाने में मिला के खाने शुरू किए, उनको तो एकदम से लगा, अरे वाह जिंदगी बदल गई। खाना आप सोच के देखो, उस व्यक्ति ने जिसने ज्यादा मसाले नहीं खाए, पहली बार अपने खाने में कभी थोड़े बहुत मसाले मिला के अगर वो खाता है, उसको तो लगेगा हसीन है जिंदगी, क्योंकि मसाले जो है ना वो बिल्कुल लज्जत बदल देते हैं खाने की, बिल्कुल ही खाने का रंगत को बदल देते हैं। तो वो चीज जो है वो पहली बार पॉसिबल होनी शुरू हुई थी। इसी वजह से मसालों की अच्छी खासी डिमांड थी वेस्ट यूरोप में। मसाले और कपड़ा जो कॉटन और सिल्क भारत से आता था उसकी भी बहुत डिमांड थी। इसी वजह से पुर्तगाल के इस प्रिंस ने, हेनरी ने, 1421 से 1460 के बीच में, 1421 से 1460 के बीच में कई सारे जहाजी बेड़ों को भारत के लिए रवाना किया। अब उन्हें पता नहीं कि समुद्री रास्ता कहां से है, कैसे भारत पहुंचा जा सकता है, तब तक सी रूट डिस्कवर नहीं किया गया। 1421 से 1460 के बीच में कई जहाजी बेड़ों को पैसा देकर उन्होंने भेजा अलग अलग दिशाओं में कि जाओ भारत के लिए रास्ता खोजो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका कई सालों तक। प्रिंस हेनरी की डेथ भी हो गई, उसके बाद भी ये पॉसिबल नहीं हुआ। उनकी डेथ के बाद पुर्तगाली आखिरकार सफल हुए भारत के लिए सी रूट खोजने में, उनकी मृत्यु के बाद। अब कौन कौन उस खोज में थे, मैं एक बार बता दूं आपको। सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज, ये व्यक्ति बार्थोलोमियो डियाज 1488 में, ये व्यक्ति, अब पुर्तगाल और स्पेन दोनों देश जो पड़ोसी देश हैं, इन दोनों में स्पर्धा बनी हुई थी कि ज्यादा से ज्यादा आइलैंड खोजे, वहां के रिसोर्सेज को कब्जाएं और इंडिया के लिए भी कोई सी रूट खोजे। तो इसमें पुर्तगाल से व्यक्ति चला और 1488 में कभी इस जगह आ पहुंचा। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है, उसका बिल्कुल दक्षिणी सिरा, सदर्न एंड ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, बिल्कुल इसके नीचे जा पहुंचा टिप पर। वहां पर उसने जाके कुछ लोग मिले और वहां पे कुछ ट्रांसलेटर, दुभाषीय जिन्हें कहते हैं, उनके जरिए वहां पर कुछ लोगों से कांटेक्ट किया। किसी ने बताया कि एक व्यक्ति मिला उन्हें, उसने बताया कि मैं भारत से आया हूं। उसने कहा, बार्थोलोमियो डियाज ने उससे कहा कि क्या तुम मुझे भारत ले जा सकते हो? उसने कहा हाँ ले जा तो सकता हूं, लेकिन उसकी बहुत भारी कीमत तुम्हें मुझे देनी होगी, तब मैं तुम्हें भारत तक का रास्ता दिखा सकता हूं। इस अनजान व्यक्ति ने बार्थोलोमियो डियाज से जब कहा, तो बार्थोलोमियो डियाज तो खुद इनाम के लालच में एक जहाजी दल लेके अफ्रीका के इस दक्षिणी सिरे तक जा पहुंचा था। उसने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मैं एक आदमी को जरूर जानता हूं, वो तुम्हारा ये काम कर सकता है, तुम्हें इतने पैसे दे सकता है, लेकिन फिर तुम्हें हमें वहां तक ले जाना होगा, भारत तक। उसने कहा ठीक है, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तुम वापस आ जाना और मैं तुम्हें ले चलूंगा। बार्थोलोमियो डियाज को उस आदमी की बातों पे ज्यादा भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन उसके जैसे कई व्यापारी थे, उसने ये समझ लिया कि अगर ये नहीं माना तो अगली बार कोई ना कोई तो मान ही जाएगा। बार्थोलोमियो डियाज वापस पहुंचे अपने देश, उन्होंने इस पूरे समुद्री रास्ते का एक नक्शा तैयार कर लिया था, जहां तक वो पहुंचे थे अफ्रीका के बिल्कुल सदर्न एंड तक, वहां तक का एक मैप बना लिया था। उस मैप के को उन्होंने ले जाके पोर्चुगीज जो है राजा को दिया उस समय। और हुआ क्या,
ऐसा नहीं था कि बार्थोलोमियो डियाज अकेले व्यक्ति थे जो ऐसी यात्रा पे गए थे। उसके अलावा भी कई जहाजी दल अलग अलग दिशाओं में डायरेक्शंस में गए थे पुर्तगाल से, लेकिन सब लोग कुछ नक्शे बना के लाए थे और क्लेम करते थे कि हम भी जो है वो भारत के रास्ते को खोज चुके हैं। तो ऐसे कई रास्ते थे जिनकी जो है फाइलिंग कर ली गई कि भाई इन सभी रास्तों पर जो है आगे जाया जा सकता है भारत को खोजने के लिए। लेकिन फिर अगले कुछ सालों में पुर्तगाल और स्पेन के बीच के डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ने लगे। जब डिस्प्यूट बढ़ने लगे तो फिर 1493 में पोप अलेक्जेंडर VI को बुलाया गया दोनों के बीच में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। उन्होंने समुद्र के बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन खींच दी थी जो कहलाती है लाइन ड्रॉन बाय पोप अलेक्जेंडर VI इन 1493। इसके एक साल बाद पुर्तगाल और स्पेन ने अपने डिस्प्यूट को खत्म किया और एक परमानेंट जो है इमेजिनरी लाइन दोनों ने जिसको मान लिया कि इस तरफ ट्रेड करेंगे स्पेन और इस तरफ ट्रेड करेंगे पोर्चुगीज। तो उन्होंने अपनी हिसाब से दुनिया को आधा-आधा बांट लिया और इससे दोनों के बीच के डिस्प्यूट जो है वो खत्म हो गए। तो नई लाइन जो है वो खींची गई थी वो ये थी जिसको कहा जाता है टॉर्डरसिलास मरीडियन या और जो ट्रीटी हुई थी इसके लिए वो थी ट्रीटी ऑफ टॉर्डरसिलास 1494। लेकिन इससे तो दोनों के बीच के डिस्प्यूट सुलझे थे। अब स्पेन से भी एक आदमी 1492 में भारत की खोज में निकला था। अब ये आदमी कौन था? ये आदमी था जो स्पेन से चला था, इसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। ये दिन की तस्वीर है, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस 1491 के एंड में जो है वो निकले थे अपने जहाजी बेड़े को लेके। ये भी भारत खोजना चाहते थे क्योंकि स्पेन के राजा ने भी सिमिलर अनाउंसमेंट की थी जैसे पुर्तगाली राजाओं ने की हुई थी कि जो भी कोई भारत के लिए सी रूट खोज लेगा हम उसे बड़ा रिवॉर्ड देंगे। उसी लालच में क्रिस्टोफर कोलंबस भी अपना जहाजी दल लेके निकले थे। क्रिस्टोफर कोलंबस जब अपना जहाजी दल लेके निकले हुए थे, जब निकलने से पहले एक घटना घटी थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास वो पहुंचे जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस था, पुराने नाविक थे। उनसे कहा कि बाबा मैं अगर भारत के लिए निकलूं, अगर मैं भारत पहुंच भी गया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं भारत पहुंच गया हूं? तो उन्होंने कहा कि जब तुम किसी ऐसी जमीन तक पहुंच जाओ जहां लोगों के स्किन का कलर तुम्हारे मुकाबले थोड़ा डार्क हो तो पहचान जाना कि तुम भारत पहुंच गए हो। तो ये सुनकर क्रिस्टोफर कोलंबस खुश हुए और उसके बाद अपनी यात्रा पे निकले। अब उन्हें जाना तो था किसी और दिशा में, लेकिन गलती से वो जा पहुंचे इन द्वीपों पर। यहां पर कुछ आइलैंड्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है, ये कहलाते हैं कैरेबियन आइलैंड्स, ठीक है। तो इन कैरेबियन आइलैंड्स पर जा पहुंचे कौन? हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस। इन कैरेबियन आइलैंड से फिर आगे उन्होंने अमेरिका महाद्वीप की खोज कर दी। तो इसी वजह से क्रिस्टोफर कोलंबस इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। तो इस तरीके से उन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। साल कौन सा? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाली। अब सी रूट की खोज कर डाली। लेकिन 1492 के अगले ही साल पुर्तगाल और स्पेन ने अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश की और 1494 में फाइनली ट्रीटी ऑफ टॉर्डरसिलास से वो डिस्प्यूट पूरे तरीके से खत्म हुआ। उसके बाद पोर्चुगीज मिशन शुरू हुए। जो पुराने मैप्स जो उनके पास थे, जो पहले बार्थोलोमियो डियाज ने जैसा एक मैप बनाया था कि उन सारे मैप्स को जो है उसमें जो रास्ते बने हैं उन पर जो है आगे जाके देखा जाए और भारत तक की यात्रा को पूरा किया जाए। तो इसीलिए अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वॉयजेस अलग अलग मैप्स के अनुसार जो है वो भेजे गए। अब एक जहाजी बेड़ा जिसके कप्तान थे वास्को डी गामा, वास्को डी गामा को बार्थोलोमियो डियाज वाला नक्शा देकर भेजा गया। बार्थोलोमियो डियाज ने जो नक्शा बनाया था उस पर लिखा था केप ऑफ गुड होप, मतलब ऐसा किनारा जहां से हमें भारत के रास्ता मिलने की एक बहुत अच्छी उम्मीद है, ठीक है। तो ये उस नक्शे पे लिखा था। इस केप ऑफ गुड होप की तरफ चलना शुरू कर दिया किसने? वास्को डी गामा ने। और फाइनली वो भी उसी जगह आ पहुंचे 1497 में जहां पहुंचे थे बार्थोलोमियो डियाज। तो वास्को डी गामा जब डिस्प्यूट सुलझ गए पुर्तगाल और स्पेन के, उसके बाद बार्थोलोमियो डियाज जो 1488 में पहले इस जगह पहुंच चुके थे अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी सिरे पर, वो आ पहुंचे अब इसी जगह, ठीक है।
फाइनली ये जगह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे साउथ सदर्न एंड या फिर दक्षिण अफ्रीका का सबसे निचला सिरा, यहां पर जा पहुंचे कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब यहां पहुंचे तो यहां पर उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसने अपना नाम बताया अब्दुल इब्न माजिद। नाम क्या बताया? अब्दुल इब्न माजिद। ये आदमी क्या कहता है? अब्दुल इब्न माजिद ये कहता है, अब इससे मिले और एक ट्रांसलेटर के जरिए उससे बात करनी शुरू की, दुभाषिया जी ने कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसलेटर जो है वो बात कराना शुरू करता है, पता चलता है अब्दुल इब्न माजिद अपने बारे में कुछ चीजें क्लेम करते थे। अब्दुल इब्न माजिद ने बताया कि वो भारत से आए हैं एक तो, और दूसरा उन्होंने एक चीज जो है वो क्लेम की कि वो इब्ने बतूता के परपोते हैं। अब ये इब्ने बतूता कौन? इब्ने बतूता पुर्तगाल और स्पेन में लोग इसके बारे में जानते थे, यहां मोरक्को के कई निवासी थे 1300s में। 1300 के समय में ये जमीनी रास्ते से इस तरीके से होते हुए पहले तो हज करने मक्का पहुंचे थे और उसके बाद वो भारत भी आए थे, और भारत में एक रूलर हुआ करते थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके कोर्ट तक भी जा पहुंचे थे जमीनी रास्ते से। कौन? इब्ने बतूता। तो इब्ने बतूता की का ही अपने आप को परपोता बता रहा था ये आदमी जो उन्हें यहां मिला और कहा कि हमारे तो खानदान की हिस्ट्री है, मेरे तो खून में है लंबी दूरी की यात्राएं और मैं तुम्हें भारत ले जाऊंगा। इस बात से कुछ भरोसा जागा वास्को डी गामा के, हाँ कि ये आदमी जरूर जो है हमें भारत तक ले जाएगा। तो अब्दुल इब्न माजिद जो अपने आप को इब्ने बतूता का एंसेस्टर या ये कह लो कि लीनेज में बता रहा था कि मैं उसके वंश से ताल्लुक रखता हूं, ठीक है, तो उसने कहा कि मैं आपको ले चलूंगा। अब वास्को डी गामा इस व्यक्ति से जो है वो मिलते हैं और ये यात्रा जो है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद ये जहाजी बेड़ा जा पहुंचता है पहले मालिंदी, मोजाम्बिक, मोगादिशु, ये तीन अलग अलग जगहें थी जो वो अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर गए और उसके बाद फिर भारत के लिए यात्रा शुरू की। अब मैं आपको बता देता हूं ये तीन अलग अलग जगहें क्यों, क्योंकि इसके पीछे का एक कारण था। अब्दुल इब्न माजिद एक व्यापारी थे और वो अलग अलग देशों में व्यापार करते हुए भारत वापस जाने वाले थे, तो उन्होंने यही कंडीशन रखी कि मैं सीधा भारत नहीं जाऊंगा, मैं कई जगह रुकते हुए भारत जाऊंगा, अगर तुम्हें हमारे साथ आना है तो ठीक, नहीं तो हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसी बात पर वास्को डी गामा को तो चाहिए था कि कम से कम कोई भरोसे वाला व्यक्ति उन्हें ले जाए, तो वो अब्दुल इब्न माजिद के जहाजों के पीछे अपने जहाजों को लगाकर ले चले थे। जहां जहां अब्दुल इब्न माजिद के जहाज रुके, जितने समय के लिए भी रुके, वहां वहां वास्को डी गामा को भी रुकना पड़ा। तो मालिंदी, मोजाम्बिक और मोगादिशु, ये तीन ईस्टर्न कोस्ट पे पॉइंट थे जहां उन्हें रुकना पड़ा और फिर फाइनली उन्होंने अपनी यात्रा भारत की तरफ शुरू की। और आखिरकार 1498 में वो भारत आ पहुंचे। वास्को डी गामा 14 मई या 17 मई, कुछ देखो अलग अलग किताबों में आपको मिलेगा 14 मई, 17 मई और 21 मई, ठीक है। तो वो आ पहुंचे भारत और भारत में जिस जगह आ पहुंचे, मैं आपको एक बार उसे मैप पे दिखा देता हूं। मैप पे ये जगह थी कैलिकट शहर, ठीक है, कैलिकट, और जहां पे जमोरिन राजा का आसपास जो है वो टेरिटरी हुआ करती थी, ये पूरी टेरिटरी इसके आसपास यहां ये जमोरिन राजा की थी, ठीक है। जमोरिन राजा कौन? अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि जमोरिन कौन। इसको समझने के लिए आपको पूरी साउथ इंडिया की जो है उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन को समझना होगा कि उस समय दक्षिण भारत में समीकरण क्या था। अगर आप उसको समझ लेते तो फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगी सब चीजें। एक चीज तो कि सबसे पहले साउथ इंडिया में ये पूरा रीजन कहलाता था विजयनगर एम्पायर, ये पूरा जो मैंने मार्क किया इट वॉज ऑल विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर पूरा एक्सट्रीम साउथ के रीजन में फैला हुआ था और विजयनगर के भी लिए काम करते थे कई और लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ अलग 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 जो है प्रिंसिपैलिटीज थी, इसका मतलब क्या है कि ये रीजनल गवर्नर थे विजयनगर के राजा के अंडर काम करने वाले, ठीक है। जैसे जिसमें से एक थे कौन? राजा जमोरिन।
राजा जमोरिन एक रीजनल गवर्नर थे जो किसके अंडर काम करते थे, विजयनगर साम्राज्य के अंडर काम करते थे। मैं जैसे आपको मैप पे दिखा देता हूँ, ये देखो आप ये पूरा हिस्सा देखें, कोलथारी, जमोरिन, कोच्चि के राजा और वेनाड के राजा, ये सब जो हैं ये किसके लिए काम करते, ये पूरा बड़ा जो एम्पायर था विजयनगर एम्पायर उसके राजा के अंडर काम करते थे, उनके कोस्टल गवर्नर थे आप ये कह सकते हो, कोस्टल मतलब उनके एक एक रीजन को संभालते थे, लेकिन कहलाते अपने आप में राजा ही थे। ठीक है, तो जमोरिन वॉज अ राजा जो सबॉर्डिनेट थे किसके, विजयनगर के राजा के। तो ये मैंने आपको समझाया। अब उसी मैप पे मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, इसके ऊपर जो था, इसके ऊपर ये हिस्सा था, इसके ऊपर ये हिस्सा। अब ये पूरा का पूरा दक्षिण का रीजन है, भारत में इसे डेक्कन या दक्षिण का रीजन कहा जाता है। ठीक है, अब इस दक्षिण में अगर आप देखें तो जिस समय पोर्चुगीज इंडिया पहुंचे या वास्को डी गामा इंडिया पहुंचे तो उस समय ये पांच हिस्सों में डिवाइडेड था, अहमदनगर, बीजापुर, बिदार और इधर हुआ करता था बिरार, और इधर बाकी में आ गया गोलकुंडा। ठीक है, तो एक बार लिख दें हम यहां पे, अहमदनगर ये वाला बीजापुर, ये अहमदनगर, ये बीजापुर, ये बिदार, ये बिरार और ठीक है, तो पांच रीजन हो गए, अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, बिरार और गोलकुंडा। ये पांच रीजन, इनकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, इन पांचों रीजन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इंडिया में 1300 का समय, जो 1320 में एक डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में पावर हासिल करती है जिसका नाम था तुगलक डायनेस्टी। खिलजी के बाद तुगलक ने पावर हासिल की, ये दिल्ली सल्तनत की एक डायनेस्टी थी। अब आप कहोगे कि सर आप मेडिवल में कहां चले गए, अभी आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, एक बार मैं मैप बनाऊंगा थोड़ा सा, फिर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। हिस्ट्री में हमेशा इवेंट्स का एक दूसरे से कनेक्शन होता है, अभी कनेक्शन समझा देंगे। ये देखो, दिल्ली में पहले आकर दिल्ली पे कब्जा किया था स्लेव डायनेस्टी ने 1206 में, दिल्ली और आसपास, यहां पे सिटी था दिल्ली और दिल्ली के आसपास आकर कब्जा किया स्लेव डायनेस्टी ने। सबसे पहले आई स्लेव डायनेस्टी जिसने इस पूरे रीजन पे कब्जा किया। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी को रिप्लेस किया किसने, खिलजीज ने, लेकिन पहली इस्लामिक डायनेस्टी जिसने उत्तर भारत में कब्जा किया था वो स्लेव डायनेस्टी थी जिसका रूल था तकरीबन 1206 से लेके 1290 एडी तक। ठीक है, इसके कुछ ही समय के बाद आप ये देखें थोड़ा और ज्यादा एम्पायर एक्सपेंशन किया किसने, खिलजीज ने। तो इसके बाद आ गए खिलजीज, तो फिर खिलजी डायनेस्टी आ जाती है। और खिलजीज से भी ज्यादा एक्सपेंशन किया फिर तुगलक्स ने। तो अगर आप देखें तो स्लेव डायनेस्टी ने 1206 से 1290 तक रूल किया, उसके बाद जब आई बारी खिलजी की तो खिलजी ने 1290 से लेके, खिलजी डायनेस्टी ने 1290 से 1320 तक रूल किया। ठीक है, और तुगलक्स फिर उसके बाद आए, तुगलकों ने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया और 1321 से 1414 एडी तक तकरीबन इन्होंने कब्जा किया बहुत बड़े हिस्से पे। अब
अगर आप मैप पे देखें तो इनकी कैपिटल हमेशा ज्यादातर दिल्ली रही ज्यादातर, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत क्यों? क्योंकि कैपिटल दिल्ली और आसपास की ही उनका जो है प्रमुख ठिकाने थे, जिसकी वजह से इनको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी स्लेव खिलजी तुगलक। अब तुगलक वंश के एक बाद सुल्तान थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक चीज की, मोहम्मद बिन तुगलक ने को एक सनक चढ़ी। सनक क्या? कि मेरी कैपिटल बहुत ही ज्यादा ऊपर है नॉर्थ में, और उसे यह लगा कि साउथ इंडिया तक अगर उसे अच्छा कंट्रोल बनाना है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा साउथ की तरफ एक्सपेंशन किया था, तो उसको लगा कि अपनी कैपिटल को उसे थोड़ा सा भारत के सेंटर में कहीं ले आना चाहिए और यहां कहीं अपनी कैपिटल बनानी चाहिए। ठीक है, अपनी कैपिटल यहां कहीं बना देनी चाहिए सेंट्रल इंडिया में। अब एक जगह उन्हें पसंद आ गई, खिलजी जब हुआ करते थे तुगलक से पहले, तो खिलजियों ने सबसे पहले यह जगह एक्सप्लोर की थी। ये ऐसी जगह थी जो एक राजा देवगिरी, ये जगह हुआ करती थी, देवगिरी के राजा रामचंद्र देव इसके रूलर थे और यहाँ के लोग बड़े अमीर थे। जब खिलजी ने पहली बार इस पे हमला किया था इस जगह पे, तो उन्होंने बहुत पैसा कमाया था वहां से, और बाद में तुगलक्स का जब रूल आया तो उन्हें ये समझ में आ गया कि ये ऐसी जगह है जिसको जितनी बार भी लूट लो ये फिर से आबाद हो जाती है, फिर से लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का एक तो रीजन था अपनी कैपिटल को शिफ्ट करने का ये कि भाई कि उसकी उसको लगता था कि उसकी दिल्ली जो कैपिटल है वो बहुत नॉर्थ में, उससे थोड़ा साउथ में ले जाए। और दूसरा कारण ये था कि जो ये जो जगह थी इसको कई बार लूटा गया, लेकिन फिर भी लोग बड़े रिच हो जाते थे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अच्छे थे, यहाँ से बहुत सोना और अलग अलग चीजें आसपास के इलाकों से माइन से आती थी, जिसकी वजह से रिच एरिया था। इसीलिए ये सोच के मोहम्मद बिन तुगलक 1327 में ये फैसला लेते हैं कि वो यहां से अपनी कैपिटल को ले जाएंगे। कहां? इस जगह दिल्ली से उन्होंने शिफ्ट करने का फैसला लिया। दिल्ली से उन्होंने कहा कि हम जाएंगे कहां, ये नई जगह जो पहले कहलाती थी देवगिरी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको नाम किया दौलताबाद, जो हमेशा दौलत से आबाद रहती है। तो महाराष्ट्र के सेंट ये रीजन में कहीं, तो ये दौलताबाद की नाम की जगह पे उन्होंने अपना शिफ्ट कर दिया। ठीक है जी, अब ये ध्यान से सुनना, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सब सब पॉलिटिकल सीन को समझा देगी। तो अब ये आ गए, यहाँ आ गए, लेकिन रास्ते में ना बद इंतजामी, राजा ने एक दिन फरमान जारी किया दिल्ली में, सुल्तान ने मोहम्मद बिन तुगलक ने, कहा चलो सारे लाखों लोग सब अपने गधे घोड़े खच्चरों पे अपना सामान ला दो और चलो सब दौलताबाद की तरफ, कोई नहीं रहेगा दिल्ली में, सब रहेंगे कहाँ जाके, दौलताबाद जाके। लेकिन इतनी दूर ये जगह, 1000 मील से ज्यादा का लंबा सफर, और कोई ज्यादा इंतजाम नहीं, खाने पीने के इंतजाम नहीं सही तरीके से, और कहाँ रुकेंगे, शेल्टर के कोई इंतजाम नहीं, इतनी बड़ी संख्या में लाखों लोगों को लेके वो चल पड़े। आधे लोग रास्ते में ही मर गए बेचारे, गर्मी और बदहाली और बद इंतजामी की वजह से आधे लोग कैंप छोड़ गए, उसके कैंप में जो चले थे वो उसमें वहीं रह गए, वो नहीं गए दौलताबाद। फिर जो लोग दौलताबाद फाइनली पहुंचे, उसके बाद उसने उन्हें वहीं बसा दिया, दौलताबाद को पूरा डेवलप किया गया। दौलताबाद में कुछ समय के बाद 1329-30 में कुछ कंप्लेंट आने लगी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के पास कि भाई पानी की कमी हो रही है साहब, खाने पीने की कमी हो रही है, क्योंकि ये शहर पहले बहुत कम लोगों के लिए जो है वो बनाया गया था, लेकिन अचानक से दिल्ली की बड़ी जनसंख्या भी वहां पे आके बस गई, तो वहां पे वाटर लेवल कम होने लगा, रिसोर्सेज कम पड़ने लगे, भुखमरी फैलने लगी। तो फिर उसे लगा कि मैं तो गलती कर बैठा। ऊपर से मोहम्मद बिन तुगलक को नॉर्थ इंडिया में कुछ ऐसी खबरें भी मिल रही थी कि कुछ राजाओं ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो फिर उसने प्लान बनाया कि फिर से कैपिटल को वापस ले जाएगा दिल्ली। लाखों लोग जान गंवा चुके आते हुए, लाखों लोग कैंप छोड़ गए, जो पहुंचे उनको फिर से कह दिया चलो भाई 7 साल के बाद, 1327 में आए थे, 1334 में कह दिया चलो वापस, फिर से वही दुख का मंजर झेलने के लिए वो सब लोग वापस चले। सुल्तान ने जबरदस्ती की, जो नहीं जा रहा उसे मारा पीटा जा रहा है, लेकिन ले गए सबको। फाइनली ये लोग वापस पहुंचे 1335 में। अब ये हो तो गया वापस, लेकिन फिर भी अब इस पूरे इलाके में,
अब मैं जो रीजन मार्क करूंगा इस पूरे रीजन में, वो अपना एक गवर्नर छोड़ गए इस रीजन को कंट्रोल करने के लिए, जिनका नाम था बमनशाह। नाम जिनका था बमनशाह, बमनशाह को बिठा गए उसके बाद। लेकिन कुछ ही समय के बाद बमनशाह ने अपने आप को मोहम्मद बिन तुगलक से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, कहा कि सॉरी सर, आप अलग हैं, मैं अलग हूं, ये मेरा अपना एम्पायर है, और आज के बाद मेरे इलाके में आप ना आए तो अच्छा है, अब मैं यहाँ का इंडिपेंडेंट बादशाह हूं इस पूरे रीजन का। उसने अपने आप को बादशाह डिक्लेयर कर दिया। ये डेक्कन का वही रीजन जहां पे मैंने आपको दिखाए वो पांच डायनेस्टीज, ठीक है, ये रीजन। अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, बिराड़ और गोलकोंडा। हुआ क्या, बमन शाह ने पहले इस पूरे रीजन को अपनी सल्तनत डिक्लेयर किया और नाम रख दिया इसका बामनी सल्तनत। बामनी सल्तनत। जब बमन शाह की डेथ हो गई तो फिर ये पूरी रियासत स्प्लिट हो गई पांच हिस्सों में, पांच मुस्लिम रियासतें बन गई इससे। अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, यहाँ पे एक बिरार जो नहीं दिखाई गई, और गोलकोंडा। अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, बिराड़, और यहाँ पे आ गई गोलकोंडा। तो पांच रियासतें बन गई जो टूट के बनी किससे, बामनी सल्तनत से। तो अगर आप पूरा देखें तो यहां पे दो बामनी गॉट स्प्लिट इनटू फाइव पार्ट्स, अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, बिराड़, गोलकोंडा। विजयनगर यहां है और विजयनगर के रीजनल राजा जो है वो यहां पर थे, जिसमें से इनमें से एक थे यहां पर कौन, जमोरिन। विजयनगर के अंडर जो जो आते हैं राजा, जो उनकी सुजनटी के अंडर है, वो थे जमोरिन, जो कैलिकट पे रूल करते थे। अब आ गई पूरी साउथ इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन समझ में। एक बार हाँ कर दो अगर सबको साउथ इंडिया की सिचुएशन समझ में आ गई, उस समय पे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी जिस समय पर वास्को डिगामा पहुंचे भारत। ठीक है, जल्दी से करो, यस थम्स अप करो अगर समझ में आ गया तो, फिर आगे चलते हैं। चलो जल्दी बताओ यार, जल्दी एक थम्स अप तो कर दो। हाँ जी, हाँ जी, अरे थैंक यू पर, हाँ चलो ठीक है, यस आ गया, चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये है वास्को डिगामा, ये है वास्को डिगामा, और ये है जमोरिन राजा। राजा जमोरिन के कोर्ट में 17 मई 1498 को पहुंचे कौन, वास्को डिगामा। ठीक है, राजा जमोरिन के कोर्ट में पहुंचे, कैसे पहुंचे थोड़ी कहानी जान लेते हैं। जो अब्दुल इब्न माजिद थे, अब्दुल इब्न माजिद जो जहाजी अपना जहाज लेकर आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे वास्को डिगामा के जहाज चल रहे थे। ये कैलिकट के नजदीक पहुंचे तकरीबन 10 से 12 मई के बीच में 1498 को। उन्होंने उनसे कहा कि भाई मैं गुजरात की तरफ जा रहा हूं, आगे की यात्रा आपको खुद करनी होगी, आपको सामने जो जगह दिखाई दे रही है, सामने जो जो बीच दिखाई दे रहा है या जो जो जमीन दिखाई दे रही है वो हिंदुस्तान है, वहां जाइए, आपका काम हो जाएगा, आपको वहां से मसाले मिल जाएंगे। वास्को डिगामा ने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे एक दुभाषिया चाहिए। बफरिंग हो रही है क्या, एक बार मैं चेक कर। एक बार बता दो वीडियो ठीक है, अभी वीडियो ठीक है, एक बार जल्दी से बता दो। ठीक है, चलो ठीक है। तो हुआ क्या कि वो वहां पहुंचे तो उनके अब्दुल इब्न माजिद ने कह दिया कि सामने जो जगह है वहां आप चले जाइए, वहां पे आपको एक शहर मिलेगा कैलिकट, वहां जाके आप व्यापार कर सकते हैं। उन्होंने अपने जहाज मोड़ लिए, वास्को डिगामा के पास एक दो ट्रांसलेटर्स थे, उनकी मदद से वो उस जमीन पर उतरे। वो जमीन जहां उतरे वो जो जगह थी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वो जगह थी कैननोर। ठीक है, वो जगह यहां कहीं थी जिसका नाम था कैननोर या कन्नूर।
इस जगह उतर गए कैलिकट समझ के। वहां पर जैसा कि अब्दुल इब्न माजिद ने कहा था कि इस जगह पे आपको जो है वो बड़ा बाजार मिलेगा जहां से आप बहुत सारा सामान खरीद सकते हो, ऐसा कुछ भी दिखा नहीं वास्को डी गामा को। तो वास्को डी गामा को लगा कि मैं किसी गलत जगह आ गया। उसने अपने ट्रांसलेटर की मदद से पूछा कि क्या ये कैलिकट नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, कैलिकट इससे थोड़ा साउथ में। तो फिर उन्होंने अपने जहाज घुमाए और फाइनली 17 मई के करीब वो जा पहुंचे। कहां वो जा पहुंचे? कैलिकट शहर। ठीक है, तो फिर वो उतरे कैलिकट शहर कब? 17 मई को। तो पहले कन्नूर उतरे थे, फिर उसके बाद आ पहुंचे कैलिकट। कैलिकट में अब किसी तरीके से ट्रांसलेटर्स के जरिए बात करते हुए वो जा पहुंचे राजा जमोरिन के कोर्ट में। राजा जमोरिन बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग थे। राजा जमोरिन ने बहुत ही अच्छा वेलकम दिया इन लोगों को, कहा कि आपके आने से मैं बहुत खुश हूं और आपको क्या चाहिए? वास्को डी गामा ने कहा कि मैं व्यापार करने यहाँ आया हूँ और मैं पुर्तगाल के राजा का एक एम्बेसडर। उसने अपने बारे में ये बताया ट्रांसलेटर्स के जरिए। लेकिन कुछ लोग थे राजा जमोरिन के कोर्ट में, जैसे ये लोग पीछे आपको दिख रहे हैं, ये खुश नहीं थे इस चीज से। ये खुश नहीं थे कि कैसे कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ पे आ गया और ट्रेड की परमिशन मांग रहा है। अब क्यों ये लोग खुश क्यों नहीं थे, अभी आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये पहला व्यापारी नहीं था जो राजा जमोरिन के कोर्ट में पहुंचा था ट्रेड के लिए, क्योंकि आपको एक मैप दिखाता हूं मैं आपको। अगर आप ये देखेंगे, ये जो पूरा देश है, अगर आप ये देखें, ये है ईरान, ये है मॉडर्न डे सऊदी अरेबिया और ये है इजिप्ट। होता क्या था कि उस समय पर इन तीनों ही देशों से, रेड सी के इस रास्ते से और पर्शियन गल्फ के इस रास्ते से, बहुत सारे व्यापारी आते थे और राजा जमोरिन के साथ व्यापार करते थे। राजा जमोरिन से मसाले, कॉटन, सिल्क इत्यादि खरीदते थे और अपने यहाँ ले जाते थे। अपने यहाँ से भी बहुत सारी चीजें लाके जो है वो राजा जमोरिन के यहाँ पे बेचते थे। तो ये सिस्टम चलता था। अब क्योंकि राजा जमोरिन को लगातार इन सभी मुस्लिम देशों के लोगों के साथ डील करना पड़ता था, तो उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो उनके साथ डील करा सकें। जो जो मुस्लिम व्यापारी जो आते हैं इजिप्ट से, एक तो हो गया ये इजिप्ट, उसके अलावा अरेबिया और पर्शिया से जो भी मुसलमान आते हैं उनके साथ ट्रेड करना था। तो उन्होंने कई ऐसे ही फारसी और अरेबिक बोलने वाले मुस्लिम लोगों को अपने यहाँ काम पे रखा था। तो अगर आप इनके कोर्ट में जो लोग देख रहे हो, तो ये कौन ऐसे लोग थे जो फारसी और अरेबिक बोलना जानते थे और इन्हीं को यहाँ पे अपने पास काम पे रखा था। ये मुस्लिम ही थे, ये बड़ी सारी चीजें करने में मदद करते थे। एक तो मुस्लिम व्यापारियों के साथ डील कराने में मदद करते थे, एक उनकी भाषा को समझने में भी मदद करते थे। तो इसीलिए राजा जमोरिन के लिए ये बड़े काम के लोग थे। अब वास्को डी गामा ने जाके परमिशन मांगी, परमिशन तो राजा जमोरिन ने दे दी। ठीक है, वास्को डी गामा ने जब परमिशन मांगी राजा जमोरिन ने दे दी, क्योंकि राजा जमोरिन खुश थे। जितने ज्यादा व्यापारी या ट्रेडर्स उनके यहाँ पे आएंगे उतना ही उनके लिए अच्छा है, उनको तो और ज्यादा चॉइसेस मिलेंगी, और ज्यादा लोग मिलेंगे जिसके जिनसे वो डील कर सकते हैं, तो वो तो खुश थे। लेकिन ये लोग खुश नहीं थे, क्यों? क्योंकि ये कमीशन लेते थे किससे? कमीशन या कुछ पैसा लेते थे किससे? वो अरबी और इजिप्शियन और ईरानियन मुस्लिम से या पर्शियन मुस्लिम से डील कराने के बदले में। तो लेकिन ये क्रिश्चियन व्यक्ति जो है, ये इन्हें कोई भी कमीशन नहीं देगा, ये उनको खटक रहा था। और वो जो मुस्लिम्स हैं जो इनको कमीशन देते आए हैं, वो इन्हें कहेंगे कि तुमने कैसे राजा के सामने किसी और व्यक्ति को या किसी और व्यापारी को पेश कर दिया, तुमने क्यों इसका ख्याल नहीं रखा। तो इन लोगों को किसी भी तरीके से वास्को डी गामा की इमेज को राजा जमोरिन के नजरों में खराब करना था। इन लोगों ने ये तक कह दिया राजा जमोरिन से कि ये हमें नहीं लगता कि किसी पुर्तगाल के राजा का कोई एम्बेसडर है, ये कोई चोरो चक्का है, ये बस आके अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, लेकिन राजा जमोरिन ने कहा कि जिस तरीके से आके इन्होंने बड़ी शालीनता के साथ बात की है, तो मुझे यकीन है कि ये कोई व्यापारी है, देख लेते हैं बाकी का, देख लेंगे कि इनके बारे में जो भी है वो सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन उन्होंने उन्हें परमिशन दे दी। ये भी कहा गया कि अगले दिन तुम अपना जो है वो सामान लाके यहाँ पे हमें दिखाना है कि क्या क्या चीजें तुम यहाँ पर बेचने आए हो व्यापारी। वास्को डी गामा अगले दिन अपना कुछ सामान जो है वो जितना भी था उनके पास वो लेकर
राजा जमोरिन की कोर्ट में पहुंचे। राजा जमोरिन की कोर्ट में वो सामान ले जाके उन्होंने नीचे रख दिया। उस सामान में कुछ ज्यादा नहीं था, कुछ थान कपड़ा था, उसके अलावा दो पीपे जो है वो तेल के थे और दो बोरी में चीनी थी, उन्होंने वो लाके नीचे रख दिया। अब लोगों ने पूछा वहां पर जो राजा जमोरिन के कोर्ट में, क्या यही है जो आप बेचना चाहते हो या ये सैंपल है? उन्होंने कहा यही है सब कुछ। और जैसे ही उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ यही है, इसको सुनकर राजा जमोरिन के कोर्ट में लोग जोर जोर से हंसना शुरू हो गए। अब उन्होंने उन्हें लगा कि यार अगर ये सब सामान इसका है तो ये अपने आप को किसी राजा का प्रतिनिधि कैसे बता सकता है, क्योंकि इसके पास थोड़ा सा सामान है। उन लोगों ने फिर से राजा के कान भरे कि देखो हमें लगता है कि ये कोई चोर उचक्का है और तुम इसे परमिशन ना दो। ऑल्दो वो अच्छी तरीके से जानते थे कि ये पुर्तगाल देश से आए ईसाई हैं और ये यहाँ पर ट्रेड के मकसद से आए हैं, लेकिन उन्हें ये ट्रेड नहीं होने देना था। लेकिन फिर भी राजा ने जैसा वादा किया था, राजा ने कहा कि तुम अपनी एक दुकान लगा सकते हो और तुम जो भी भारत से लेना चाहते हो वो ले सकते हो। वास्को डी गामा को एक छोटी दुकान लगाने के लिए कह दिया गया, लेकिन और जो वादे किए गए थे कि उन्हें बहुत सारी चीजें जो और परमिशन मिलेगी वो सब नहीं हुआ, सिर्फ एक छोटी दुकान लगाने को कह दिया गया। वास्को डी गामा को लगा एक दिन पहले उसके साथ जो व्यवहार हुआ था वो आज नहीं हो रहा है, वो समझ गया दाल में कुछ काला है और राजा जमोरिन के किसी लोग कुछ लोगों ने कान भरे। लेकिन वास्को डी गामा कुछ महीने वहां बिताता है, वहां का नक्शा तैयार करता है और उसके अलावा व्यापार के लिए चीजें जो है जुटाना शुरू करता है। कुछ चांदी लेके आया था, उसे बेच के उसने कुछ मसाले और कपड़ा जुटाना शुरू कर दिया जिसकी तलाश में वो भारत आया था। अब उसने वो सब कुछ जुटा लिया और सब सामान लेके वो अपने जहाज में लादने जा रहा था, लेकिन उसी समय डॉक पर कैलिकट के पोर्ट पर आ पहुंचे कुछ और लोग। कौन? वही लोग जो जमोरिन राजा के कोर्ट में थे। ये ऑफिसर्स वहां आ पहुंचे और कहा कि ऐसे कैसे तुम यहां से जा सकते हो, तुम्हें हमें जो है वो टैक्स देना होगा, कर देना होगा। वास्को डी गामा ने कहा कि मैं तो अपने सारे पैसे तकरीबन खर्च चुका हूं और अब मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, मैं इसमें से कुछ सामान तुम्हें दे देता हूं, उस रकम को तुम जो है वो उसको एक रकम समझ के अपने पास रख लो उस सामान को। उन्होंने कहा ये तो हमारे यहाँ आम होता है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो टैक्स की रकम तुम्हें देनी होगी। फिर वास्को डी गामा ने कहा कि मुझे पहले नहीं बताया गया था कि कोई टैक्स देना है, क्योंकि राजा ने मुझे कहा था कि तुम्हें कोई अलग से जो है वो कर नहीं देना है। तो इस बात पर उन्होंने कहा कि हर बात राजा नहीं बताएंगे, हमें ही बताना था तुम्हें और अब हम बता रहे हैं कि ये टैक्स तुम्हें देना है। इससे वास्को डी गामा गुस्से में आ गए, वास्को डी गामा थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन फिर उन लोगों ने एक ऐसी बात कर दी जिससे वास्को डी गामा का गुस्सा आसमान तक चला गया। उन लोगों ने कहा कि तुम अपने 40 लोगों को हमारे पास छोड़ जाओ, 150 से 200 लोगों का दल था वास्को डी गामा का, उसे कहा गया अपने 40 लोगों को हमारे पास छोड़ जाओ, अगली बार जब तुम आओगे तो अपने उन लोगों को वापस ले जाना, हमारे लोगों को दे जाना, ठीक है? तो नहीं मतलब अगली बार जब आओगे तो हमें पैसे दे जाना और इन लोगों को वापस छुड़ा के ले जाना। अब ये हुआ, लेकिन वास्को डी गामा इस बात से गुस्से में आ गया, उसे अपने 40 लोग उनके पास गिरवी रखवाने पड़े। लेकिन जाते जाते उसने भी एक काम किया, उसने जो है कोस्ट से कुछ मछुआरों को अपने जहाजों में बिठा लिया। उसके दो कारण थे, एक तो उसने ये सोचा कि अगली बार जब आऊंगा तो अपने लोगों से इन लोगों को बदल लूंगा, आसानी होगी और कोई एक्स्ट्रा पैसा मुझे नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि इतनी लंबी दूरी उसे वापस अपने देश जाना था और उन दिनों पे स्टीम इंजन से जहाज नहीं चलते थे, तब तक उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े जहाजों के निचली कंपार्टमेंट में बैठते थे और चप्पू चलाते थे जिससे वो जहाज आगे बढ़ते थे, और 40 लोगों का कम हो जाना मतलब उनका एक जहाज अब जो है वो वापस नहीं पहुंच पाएगा, तीन जहाजों में से एक जहाज वहीं पर रखना पड़ जाएगा। इसलिए उन 40 लोगों को बिठा लिया ताकि उनके तीनों जहाजों को चलाने के लिए चप्पू चलाने वाले मौजूद रहे और इस तरीके से वो अपने लोगों को जो है वो ले जाएगा वापस पुर्तगाल। अब वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल के लिए चल पड़ा और वही घटनाएं जो उसके साथ हुई, जैसे कि जब वो वापस जा रहा था तो मैंने जैसा बताया आपको कि उससे टैक्स मांगा गया, टैक्स नहीं दे पाया तो कैलकट के ऑफिशियल्स ने कुछ लोगों को रख लिया। इसके बदले में उसने कुछ नेटिव मछुआरों को अपने जहाज में चढ़ा लिया और वापस चल पड़ा अपनी यात्रा पे पुर्तगाल के लिए। फाइनली 1499 में वो पुर्तगाल पहुंचा। पुर्तगाल पहुंचा तो पुर्तगाल पहुंचने से पहले ही एक आइलैंड पे उनके जहाज जाके रुके थे,
और वहां से एक इंफॉर्मेशन पुर्तगाल चली गई थी कि वास्को डी गामा सफल होके आए हैं, जो हमारा सपना था भारत को खोजने का वो वास्को डी गामा ने पूरा कर दिया है। पुर्तगाल के राजा इससे बहुत खुश थे। जैसे ही वास्को डी गामा के जहाज पुर्तगाल के तटों पर पहुंचे, राजा ने एक भव्य समारोह रखा था जिसके जरिए उनका बहुत बड़ा स्वागत किया गया। सामान जो वास्को डी गामा लेकर आए थे उसको देखकर तो सबकी आंखें फटी रह गई थी। क्यों? एक तो जब आ रहे थे तो आखिर में आते हुए भी वास्को डी गामा जो है राजा जमोरिन से मिलने गए थे। राजा जमोरिन से मिलने गए थे तब तो राजा जमोरिन ने एक और वास्को डी गामा ने बड़ा अच्छा गेस्चर दिखाया था कि जाते हुए भी ये बताया कि साहब मैं जा रहा हूं और मेरी अवधि यहाँ पे पूरी हुई और मैं दोबारा जरूर आऊंगा आपके इस राज्य में क्योंकि मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। राजा जमोरिन उनके इस गेस्चर से खुश हुए थे कि एक व्यक्ति जाते हुए भी इन्फॉर्म करने आया, और उन्होंने खुश होकर उन्हें काफी सारे गिफ्ट दिए थे। गिफ्ट्स में उन्होंने कहा था कि जितना सामान तुम्हारे पास है उससे दुगना सामान इन्हें और दे दो मेरी तरफ से। बहुत सारे मसाले राजा ने गिफ्ट कर दिए थे, लेकिन कैलिकट ऑफिशियल्स ने उसमें से काफी कुछ डिटेन कर लिया और उनके कुछ लोगों को भी उतार लिया था। लेकिन फिर भी जो सामान लेकर वास्को डी गामा पुर्तगाल पहुंचे थे उससे पुर्तगाल के राजा बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन था। वास्को डी गामा अपने घर चले गए लिस्बन शहर में रहने के लिए, और तीन चार दिन के बाद उनके पास एक चिट्ठी आई। चिट्ठी में लिखा था हमारा जो अभियान है बहुत सफल रहा, राजा की तरफ से वो चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था कि जितना टोटल खर्च इस पूरे अभियान पे हुआ उस सामान को बेच के जो तुम लाए थे उससे तकरीबन 60 गुना ज्यादा पैसा जो है वो नसीब हुआ है। और इसी से जो है एक और चिट्ठी में बात थी कि तुम्हें जो है वो राजा ने तुरंत जो है बुलाया है अपने महल में। पुर्तगाली राजा के इस फरमान पर वास्को डी गामा महल की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचे तो राजा ने एक बात उनसे कही कि मैं एक और अभियान भारत भेजना चाहता हूं और मैं चाहता हूं तुम ही उस अभियान पर भारत जाओ। वास्को डी गामा ने यह सुन के हाथ जोड़ लिए, कहा कि मैं इतने लंबे सफर के बाद अभी 1.5 साल बाद वापस अपने घर लौटा हूं और पता नहीं इतनी लंबी यात्रा में मैं जीवित कैसे रह गया, और अभी तो मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं दोबारा जा सकूं। मुझे कुछ समय आराम करने दे और फिर मैं दोबारा जाने के लिए आपके लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन राजा ने कहा कि अभियान तो अभी भेजना होगा क्योंकि हम देर नहीं कर सकते इतना जो है, क्योंकि फायदे का यह सौदा था। इसीलिए उन्होंने अपने एक और व्यक्ति को भारत भेजने का फैसला किया वास्को डी गामा की जगह उस जहाजी दल का लीडर बना के, और फिर उन्होंने भेजा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को, पेड्रो अल्वारेज कैबरल को। पेड्रो अल्वारेज कैबरल वो व्यक्ति थे जो वास्को डी गामा के बाद जो है दूसरे नंबर पर भारत में आए। इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको, बाकी डिटेल अगली बार में करेंगे। पेड्रो अल्वारेज कैबरल पुर्तगाली नोबलमैन थे, मिलिट्री कमांडर थे, नेविगेटर थे और एक्सप्लोरर थे। इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल राइट हैंड मैन थे एक तरीके से आप कह सकते हो पुर्तगाली राजा के, मिलिट्री कमांडर भी थे। और एक चीज के लिए इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने ब्राजील की खोज की थी, ब्राजील के लिए समुद्री रास्ता खोज दिया था। जब वास्को डी गामा भारत गए थे तो कहते हैं कि उस समय पर ये ब्राजील की खोज कर गए थे, और इसीलिए क्योंकि वास्को डी गामा के जैसे ही काबिल व्यक्ति थे तो इनको भारत के लिए दूसरी यात्रा पे जाने के लिए चुना गया। तो फिर साल 1500 में वास्को डी गामा ने जो रास्ता जो मैप क्रिएट किया था उसी को फॉलो करते करते ये भी भारत पहुंचे अपनी दूसरी यात्रा पे। तो पोर्चुगीज व्यक्ति जो वास्को डी गामा के बाद भारत पहुंचे वो थे पेड्रो अल्वारेज कैबरल। ठीक है, चलो, तो पेड्रो अल्वारेज कैबरल के बारे में आगे की डिटेल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो अब तक हमने पढ़ा है वो आपको समझ आया है। मैं बहुत डिटेल में चलूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप इस सब को समझते जाएंगे और आगे हम जो है छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स को लेकर जो है वो बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो एक बार बता दो कैसा रहा आज का सेशन, आपको पसंद आया या नहीं।
चलो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। चलो चलो ठीक है, थैंक यू। ओके ओके ठीक है, तो बाकी करेंगे नेक्स्ट सेशन में।